बिना मान्यता स्वीकृति के निर्माण किया गया है। इस पर गोरखपुर में शनिवार दोपहर माफिया विनोद उपाध्याय के घर पर बुलडोजर चला। जीडीए ने सलेमपुर मुगलहा में माफिया के अवैध मकान की पहले बाउंड्री वॉल तोड़ी, इसके बाद दो बुलडोजर से इमारत को ढा दिया गया। साथ ही उसके कब्जे से 7000 स्क्वायर फीट जमीन को भी खाली कराया गया है। इस दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गोरखपुर का ये माफिया शासन द्वारा चिन्हित है। इस पर 32 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के मामले हैं। रंगदारी और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी है, जिसे और बढ़ाया जाएगा। विनोद कई दिनों से फरार था, इसलिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था। इसमें ये बिना मान्यता स्वीकृति के निर्माण किया गया है। इस पर ये 500 स्क्वायर मीटर का इसका प्लॉट एरिया है, भूखंड का क्षेत्रफल। इस पर 210 स्क्वायर मीटर का कवर्ड एरिया है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए हैगी। और इसका 30 मई को हमने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया था, आज इसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। और इनका सारा जो भी सामान है वो सब सुरक्षित हम वीडियोग्राफी करवा कर रखवा रहे हैं और ये कमरे बंद करवा दिया जाए। सारा सामान निकाला जा रहा है, कुछ निकाल भी दिया गया है और उसको पूरा वीडियोग्राफी में है, जिससे कि एक तरीके से सारा सामान को उसी वीडियोग्राफी के तहत करा के और उसको एक कमरे में सुरक्षित रखवा दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। गुलरिया थाना क्षेत्र स्थित मकान को गिराने में 2 बुलडोजर और 2 दर्जन से अधिक मजदूरों की मदद ली गई। फरार विनोद उपाध्याय का मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई दोपहर 12:45 पर की गई। जीडीए ने शुरू की कार्रवाई। कार्रवाई से पहले घर में रखे बेशकीमती सोफा, अलमारी, एसी, टीवी, फ्रिज और गृहस्थी का सभी सामान बाहर निकाल दिया गया। विनोद उपाध्याय ने बरसों पहले कोल्ड स्टोरेज के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू किया था। आपको बताते चले, जबरिया वसूली, धमकी, कूट रचे दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के मामले में फरार विनोद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। गुलरिया शाहपुर थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया के साथ ही आसपास के जिलों में पिछले 20 दिनों से छापेमारी कर रही है। विनोद जिले के टॉप 10 और प्रदेश के 61 माफिया की सूची में शामिल है। वहीं अब फरार माफिया के खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जीडी की ओर से पहली बार नक्शा नहीं होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का असर अन्य बदमाशों के ऊपर भी पड़ेगा। लोगों से अपील है कि किसी भी माफिया की धमकी से नहीं डरे, चिंता को बेफिक्र होकर पुलिस के साथ साझा करें। पुलिस इंसाफ दिलाने के साथ ही पीड़ित को सुरक्षा भी देगी। विनोद उपाध्याय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एजेंसियां लगी हैं।